हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में। जैसे कि इस चैनल का नाम शेयर बाज़ार से रिलेटेड है, सो हम यहाँ पर शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द शेयर्स, कब हमें बुलिश होना चाहिए, कब हमें बेयरिश होना चाहिए, कब हमें शेयर खरीदना है, कब हमें शेयर बेचना है, किस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शेयर में हमें बच के रहना चाहिए, क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं, क्या क्या इसमें, क्या हम इस शेयर्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं पहले पहली वीडियो की तरफ। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर बाज़ार के रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँ। और आपको अब जो भी नॉलेज मेरे पास है या जहाँ से भी नॉलेज मैं गेन कर सकता हूँ, वहाँ से गेन करके आप तक सभी को प्रोवाइड कर सकूँ। तो आइए हम वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी देख चुके हैं कि हमारी जो ये वीडियो का टॉपिक है आज, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। मीन्स क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सिंपली कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सभी जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगे। बट पहले हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। ये वो एसेट है जिसका यूज़ करके हम फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कुड बी टाइम, मनी, एफर्ट। जो इन्वेस्टमेंट है, समय हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, उसके पीछे की गई एफर्ट, जो मेहनत होती है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ही है। पर हमारा चैनल स्टॉक मार्केट के बारे में है, इसलिए यहाँ पर जो एसेट है, जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले नॉलेज है। नॉलेज किस चीज़ के बारे में? स्टॉक मार्केट के बारे में। लर्निंग, स्टॉक मार्केट से जो हम लर्न कर सकते हैं। टाइम, क्योंकि हम पैसा लगाएंगे उसमें तो हमें पेशेंस से उसका वेट करना पड़ेगा, दैट इज़ टाइम। एंड मनी, जो इसका की फैक्टर है, मनी जिसकी हमें आवश्यकता होगी। तो ये जो हो, ये तो होगी डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट की, पर इन्वेस्टमेंट होते किस किस फॉर्म में? तो आप सभी के पास पैसा होता है, तो आप उस पैसे को बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। आप FD कराते हैं, RD कराते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, किसी बिजनेस में पैसे को लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे को लगाते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी है, ये सब इन्वेस्टमेंट है। जो रिच पीपल होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, दे नो हाउ टू इन्वेस्ट मनी, इसलिए वो बड़े बनते हैं। वो जानते हैं कि हमें कहाँ पर पैसा लगाना है। वो स्टॉक मार्केट में जितना उनका पैसा होता है, बहुत सारा का सारा मोस्टली पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। वो FD, RD करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे ही करते हैं उनका, बट उनका मोस्टली पैसा जो होता है वो सारा स्टॉक मार्केट में होता है। वो जानते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते रहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते रहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बट जो हम जैसे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, जो जॉब करते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ उनके पास 2000-3000 या थोड़ा बहुत पैसा बचता है, सब कुछ काट खर्चा करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा बचता है, तो वो अकाउंट में रख देते हैं या फिर वो कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये प्रॉपर वीडियो मोस्टली लेके आया हूँ। तो क्योंकि हम सभी के पास 5-10 लाख रुपीज़ होते नहीं है कि हम एक शॉप ओपन कर ले या फिर किसी बिजनेस में वो पैसे को लगा दे, तो हम मिडिल क्लास पीपल एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा ही सेविंग कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी हम अर्न करते हैं पूरे महीने में, तो हम उसको केवल 20%, अगर 20% पैसा भी हम अगर इन्वेस्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ FD, इन द फॉर्म ऑफ RD, बट हम मैं इस स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप 20% पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, तो आपको एक फ्यूचर में बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, एक स्मार्ट इनकम हो सकती है, कि जिसको आप FD और RD से अर्न नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे अपनी वीडियोस में बात करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ। अभी हमारा जो मार्केट है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इसमें हम देखते हैं कि हम कभी भी किसी से बात करते हैं, जो हमारे हम मैं फियर की बात कर रहा हूँ अभी,
आपको पता होगा जब हम किसी से कोई शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, ये गैम्बलिंग है, एक जुआ है, यहाँ से बर्बाद हो जाते हैं, फिर हम मायूस हो जाते हैं एंड बैक टू द नॉर्मल लाइफ, फिर वही डेली का ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, खाना खाना, सो जाना एंड देन बैक टू कंटिन्यू, हम इसी लाइफ को चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमें बताता नहीं है कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या। क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? इसलिए मेरे एक केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे और उन्होंने कहा था केमिस्ट्री में क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, और इंग्लिश में जैसे हम WH फैमिली जो वर्ड्स होते हैं, वाई, हु, हाउ, तो इसे अगर हम अपना लेंगे तो ये केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। केमिस्ट्री उस टाइम तो हमें समझ में आया ही नहीं, पर लाइफ में ये जो मैंने ये WH फैमिली के वर्ड है, जो ये क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, जो ये शेयर मार्केटिंग में मैंने ये क्यों, क्या, कैसे, किस लिए लगाया, तो इसकी नॉलेज मुझे काफ़ी मिल गई। पता चला कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या, क्यों शेयर मार्केट भागता है, क्यों शेयर मार्केट शेयर नीचे आ जाते हैं, कैसे हमें शेयर में स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें गोल भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही क्वेश्चन आपके लिए भी है, कमेंट में बताना क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कहाँ करते हैं। पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। तो मेरा जवाब है हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको कुछ महान हस्तियों के मिलवाता हूँ। तो आपको मैं महान हस्तियों से रूबरू कराना चाहता हूँ। तो हम बात करते हैं जो वॉरेन बफेट की, सब जानते हैं इन्हें, कौन नहीं जानता, दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आने वाले शख्स है ये वॉरेन बफेट। इनका नाम ही ले दो तो समझ जाते हैं लोग कि हाँ कौन है। बिल गेट्स से भी जब कभी इनका कंपैरिजन किया जाता है तो कभी ये आगे बढ़ जाते हैं, कभी ये पीछे हो जाते हैं, कभी बिल गेट्स आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वॉरेन बफेट, तो इनका विकिपीडिया पे आप जाके सर्च कर लेना तो आपको इनके बारे में और नॉलेज मिल जाएगी। पर एक छोटा सा क्विक रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि कौन है, तो शायद आप सभी जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जितना पैसा इन्होंने कमाया है, बिलियंस ऑफ डॉलर, देख रहे हैं इनकी नेटवर्थ, देख रहे हैं 7220 करोड़ USD, मतलब 7.2 बिलियन US डॉलर इनका, इनके पास पैसे है। मैं तो जीरो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितनी जीरो होती है इसके अंदर। जितना भी इन्होंने पैसा अर्न किया है सब इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करके, सब इसी से इन्वेस्ट किया है। आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो इनके बारे में तो आपको बहुत सारी नॉलेज आपको प्राप्त होगी। तो आप कोको कोला पीते हैं? तो कोको कोला में सबसे ज़्यादा इन जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जो इनकी शेयर होल्डिंग है, 11% की इनकी शेयर होल्डिंग कोको कोला में है, जाके आप सर्च करना। इन्होंने इन हीजर जो इन जो एक कंपनी है, बक्शर हैथवे, कभी इन्होंने 1000 USD, मतलब 1000 USD इसमें लगाया था, मैंने पढ़ा था कहीं पर। बक्शर हैथवे में, तो आज ही इज़ द ऑनर ऑफ दैट बक्शर हैथवे, उस कंपनी के, उस कंपनी के अभी मालिक है। तो कभी इन्होंने 1000 USD लगाया, आज उस कंपनी के मालिक है। और आपको पता नहीं होगा इनकी जो ये कंपनी है बक्शे हैथवे, करोड़ों रुपए का एक शेयर है, जाके सर्च करना। करोड़ों रुपए का एक शेयर है इनका, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, वॉरेन बफेट, जिनका नाम दुनिया के सब लोग जानते हैं। अब आ जाते हैं इंडियन अपने राकेश झुनझुनवाला के ऊपर। ये इन्हें हम वॉरेन बफेट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कहते हैं। ये इंडियन इंडियन इन्वेस्टर है, कभी 5000 रुपये लेके आए थे, इन्वेस्ट किया, नॉलेज रखी, पेशन रखा, और डिफरेंट इन्होंने अपनी स्टडी के हिसाब से इन्वेस्ट किया।
और आज कितने करोड़ के मालिक है, 2.2 बिलियन US डॉलर, मतलब लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ के ये मालिक है। इनके बारे में भी आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हस्तियों से मैं आपको रूबरी करा देता हूँ। रामदेव अग्रवाल, ओके, आपको ये मोतीलाल ओसवाल ग्रुप है, इसके को फाउंडर है, 1 बिलियन डॉलर की इनकी वर्थ नेटवर्थ है। इसके अलावा विजय केडिया, ओके, इनकी भी लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ का इनका शेयर मार्केटिंग से इन्होंने अर्न किया है, ओके। इसके अलावा एक हमारी जो फीमेल्स है, ओके, वो अब थोड़े बहुत हमारे मैन डोमिनेट कंट्री है, तो केवल मैन ही दिखते हैं कि हमारा आदमियों ने ही यहाँ पर पैसा लगाया है। बट हाँ, मैं आपको एक शख्स से रूबरू कराना चाहता हूँ, डॉली खन्ना, 600 से 800 करोड़ रुपए की मालकिन है, ओके। सारा पैसा इन्होंने केवल इसी से कमाया है, किसी से शेयर मार्केटिंग से अर्न किया है। बट अनफॉर्चुनेटली केवल बहुत कम लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलेगा और आपको हैरानी भी होगी कि केवल 1 से 2% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अमेरिका में अगर हम अमेरिकन्स की बात करें तो आप रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे जब गूगल्स पे, तो आप शॉक हो जाएंगे, ओके, 50% ऑफ द US एडल्ट ओन स्टॉक, ओके। इसका मतलब है कि जो वहाँ के जो एडल्ट है, जो नौजवान है, वो 50% स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, वो इन्वेस्ट करते हैं। जो वहाँ का यूथ है 50%, वो सारा का सारा शेयर मार्केट में लगा रहता है। सो इसी तरीके से जो रेशो है UK का अमेरिका का, ये रेशो अपने इंडियंस के हिसाब से बहुत दूर है, बहुत फार है, ओके। वहाँ के लोग स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स वाई दे आर लिविंग ए लैविश लाइफ, ओके, वो बहुत अच्छी लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे काम नहीं करते, वो जॉब भी करते हैं, बट स्टिल दे पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट, ओके। तो आज का कंक्लूजन बस इतना ही है। तो आज के समय जो में गांव में हमारे देश की पब्लिक ज़्यादा रहती है, जैसे कि हम सभी जानते ही है, पर आज सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है, ठीक है, नेट का कोई इशू नहीं है। ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग जैसे स्टॉक ब्रोकर है जो फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ओके। तो आप बस जाइए, इन्वेस्ट करिए, ओके, और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आगे मैं इस तरीके की वीडियो लाते रहूँगा, ओके। तो इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, और ये भी नहीं है कि आप हाँ भाई आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ओके। तो इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ओके। देख रहे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज है, सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो मैं आपको सेंसेक्स को दिखाता हूँ, आज 37,871,000 पे ये है लगभग, ओके, बट कभी ये 561 हुआ करती थी, देख रहे 561, कभी ये 1986 में 561 पे थी, बट इसका अगर हम ओवरऑल हाई देखेंगे, ओके, तो लगभग 39,000, लगभग 40,000 के बराबर ये गया हुआ है। जब ये 500 से लेके 40,000 तक जा सकता है, मतलब किसी ना किसी ने तो पैसे कमाए होंगे इससे, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देते हो कि ये डूब गया, वो बर्बाद हो गया, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ ना, किन किन लोगों ने कितने कितने पैसे कमाए। मैंने आपको दिखाया है कि कैसे कैसे राकेश झुनझुनवाला ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाए हैं, क्या कैसे वॉरेन बफेट ने कमाए, कैसे विजय केडिया ने कमाए, ओके। इसी तरीके से निफ्टी के बारे में भी आपको बता देता हूँ, 890 पे, 1999 में 890 पे थी, बट आज अगर लॉन्गेस्ट देखे तो ये 11,284 या फिर लगभग 11,500 रुपये तक ये सेंसेक्स भागा हुआ है, 11,500 तक निफ्टी गया हुआ है। तो आपको पता चल रहा होगा कि कहीं किसी ने अगर लॉस किया है, ठीक है, तो किसी ने प्रॉफिट कमाया भी है, तो आप एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते कि हाँ हमेशा लॉस ही होता है, बर्बाद हो जाते हैं। उन लोगों का एग्जाम्पल मत लो, ओके, उनके एग्जाम्पल लो जो लोग इस चीज़ से अर्न करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता,
तो असफलता से सीखो और सफल लोगों को फॉलो करो, थोड़ी सी स्टडी करो, और बाकी हमारा इस चैनल को देखते रहो। आगे मैं यहाँ बहुत से स्टॉक से बारे में बात करूँगा, आप भी उनकी स्टडी करना और साथ मिलके हम कुछ बड़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप सभी को सपोर्ट मुझे इंक्रेज करेगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड उन सभी से इस वीडियो को शेयर करो, ओके, अपने नियर एंड डियर वन के साथ, ताकि वो भी कुछ इसे सीख पाए और स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए और कुछ अपने लिए प्रॉफिट कर पाए। और फिलहाल तो इस वीडियो को आगे आपके लिए न्यू वीडियो आने वाली है, सो थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस, और आगे वीडियो में हम मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।